साथियों, मैं इस काव्य पाठ के क्रम को थोड़ा सा मोड़ता हूँ और मोड़कर मैं ले जाता हूँ एक ऐसे शायर के सामने, एक ऐसे शायर के पास जो कहता है कि सोचा था इश्क होगा नहीं, सोचा था इश्क होगा नहीं एक परी के बाद, सोचा था इश्क होगा नहीं एक परी के बाद, पर प्यास और बढ़ गई है उस नदी के बाद। सोचा था इश्क होगा नहीं एक परी के बाद, पर प्यास और बढ़ गई है उस नदी के बाद। नाकाम हो जो इश्क में तो शायरी करो, नाकाम हो जो इश्क में तो शायरी करो, चारागरी से काम लो जादूगरी के बाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे साथ अभिशार गीता शुक्ला का। नमस्ते बनारस, हर हर महादेव, वहां तक भी पहुंचेंगे। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया। चलते हैं इसके पास घाट पे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत देर सुना जा चुका है और बहुत कुछ सुनना रह गया है। जो सुनना रह गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। उदासी चखती रहती है दुखों को धार देती है, उदासी चखती रहती है दुखों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती है लड़के मार देती है। वाह, मुझे मालूम था ये बिकेगा। बढ़िया शेर है भैया। उदासी चखती रहती है दुखों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती है लड़के मार देती है। क्या कहने, सुनते रहो सुनते रहो, और भी है। साथियों साथियों आप साथियों बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों आपके अतिथि हैं, आप यकीन माने अगर आप कुछ वक्त शांत रहेंगे तो आप कुछ बहुत कुछ अच्छा सुन के जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा घर लेके जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से शुरू करते हैं अभिशार गीता शुक्ला। चलिए कुछ नया शुरू करता हूँ। चूंकि मैं जल्दी आया था तो मैं उसी हिसाब से शुरू करता हूँ। शेर सुनिएगा। मैं जब वहाँ पर लाइव देख रहा था, ट्रेन में था तो यहाँ शुरू हो चुका था काम, मैं लाइव देख रहा था तो यहाँ से रिजर्व सीट से हटाए जा रहे थे लोग कि आप हट जाइए, और आप छोड़ भी दे रहे थे और लोग छोड़ भी देते हैं कहने से, अगर आपका रिजर्वेशन भारतीय रेल में ना हुआ हो तो। क्या बात है भाई, वाह। तो सुनिएगा कि कुछ तो अब भी बाकी होगा देख जरा मैखाने में। वाह। कुछ तो अब भी बाकी होगा देख जरा मैखाने में, मान रहा हूं मुझको थोड़ी देर हुई है आने में। जिंदाबाद। वाह। मान रहा हूं मुझको थोड़ी देर हुई है आने में। और शेर सुनना कि पागलपन की हद क्यों माने पल भर के परवाने को। पागलपन की हद क्यों माने पल भर के परवाने को, जोश बहुत होता है लेकिन नए नए दीवाने में। वाह वाह, जिंदाबाद। जोश बहुत होता है लेकिन नए नए दीवाने में, इतने भी मुश्किल न हुए बाहों में तुम्हारी या न सकें। इतने भी मुश्किल न हुए, अना का शेर है सुनना, कि इतने भी मुश्किल न हुए बाहों में तुम्हारी या न सकें, इतने भी आसान नहीं थे आ जाएं पैमाने में। वाह
इतने भी मुश्किल न हुए बाहों में तुम्हारी आ न सकें, इतने भी आसान नहीं थे आ जाएं पैमाने में। और शेर सुनना कि यार मुसव्विर इतने में तो एक खुदा बन जाता है। आहा, मुसव्विर पेंटर को कहते हैं कि यार मुसव्विर इतने में तो एक खुदा बन जाता है, जितना वक्त लिया है तुमने एक तस्वीर बनाने में। वाह वाह, जिंदाबाद। यार मुसव्विर इतने में तो एक खुदा बन जाता है। वाह, शेर सुनना कि मोहब्बत में नए लड़के वफा कहकर, मोहब्बत में नए लड़के वफा कहकर वही गलती करेंगे पर नया कहकर, मोहब्बत में नए लड़के वफा कहकर वही गलती करेंगे पर नया कहकर, करोगी क्या तुम्हारी बेटियों को जब, आहा, करोगी क्या तुम्हारी बेटियों को जब कोई आवाज देगा बेवफा कहकर। वाह वाह, करोगी क्या शेर है? करोगी क्या तुम्हारी बेटियों को जब कोई आवाज देगा बेवफा कहकर। और शेर सुनना बनारस कि ये किसकी चाल में आई नई नस्लें, ये किसकी चाल में आई नई नस्लें, उदासी बेच दी किसने दवा कहकर। वाह वाह, ये किसकी चाल में आई नई नस्लें, उदासी बेच दी किसने दवा कहकर। शेर सुनो कि अपनी उदास उम्र छिपाता है कौन कौन। आहा, क्या गजल पढ़ रहे हैं भैया। वाह, अपनी उदास उम्र छिपाता है कौन कौन, सिगरेट से पूछिएगा जलाता है कौन कौन। वाह वाह, मैं समझ गया तुम हो। अपनी उदास उम्र छिपाता है कौन कौन, सिगरेट से पूछिएगा जलाता है कौन कौन। हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र, हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र, आता है कौन कौन निभाता है कौन कौन। वाह वाह, आता है कौन कौन, आता है कौन कौन निभाता है कौन कौन। और शेर सुनना कि मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल। आहा, मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल, बस देखना है फोन उठाता है कौन कौन। वाह वाह, जिंदाबाद शेर। वाह, फिर से पढ़े भैया। वाह, मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल, बस देखना है फोन उठाता है कौन कौन। शेर सुनना कि अच्छा हुआ जो कह दिया कि दुख नया मिले। हाय, अच्छा हुआ जो कह दिया कि दुख नया मिले, आया भी इसलिए था कोई मशवरा मिले, आया भी इसलिए था कोई मशवरा मिले। मैं चाहता हूँ आँख के बदले में आँख हो, मैं चाहता हूँ आँख के बदले में आँख हो, तू बेवफा है दोस्त तुझे बेवफा मिले। वाह वाह, जिंदाबाद शेर। वाह, तू बेवफा है दोस्त तुझे बेवफा मिले, क्या बात है। मैं चाहता हूँ आँख के बदले में आँख हो, तू बेवफा है दोस्त तुझे बेवफा मिले। शेर सुनना, इश्क अगर है तो कोई और इशारा करिए। इश्क अगर है, इश्क अगर है तो कोई और इशारा करिए, पर भरी बज़्म में यूं आंख न मारा करिए। वाह, जिंदाबाद। इश्क अगर है तो कोई और इशारा करिए, पर भरी बज़्म में यूं आंख न मारा करिए। जान ले लीजिए पर तंज न कसिए मुझ पर, जान ले लीजिए पर तंज न कसिए मुझ पर, दे के तस्वीर न कहिए कि गुजारा करिए।
देख के तस्वीर न कहिए कि गुजारा करिए, और प्रेम में अपने बाबुओं के नए नए नाम रखने वालों, देख के तस्वीर न कहिए कि गुजारा करिए, और शेर सुनना कि ये नए नाम भी हैं ठीक मगर महफिल में, ये नए नाम भी हैं ठीक मगर महफिल में, नाम अभिसार है अभिसार पुकारा करिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नाम अभिसार अभिसार पुकारा करिए। वाह काशी, बहुत शुक्रिया काशी वालों। शेर सुनिए, आपके लिए शेर है, और रदीफ सब लोग समझते हैं ना, जो बार बार रिपीट होता है गज़ल में उसको रदीफ कहते हैं। रदीफ आप दोहराएंगे, पढ़ूंगा मैं, सुनिएगा। स्वागत भी कि अपना खुदा बनाइए गंगा नहाइए, आपको गंगा नहाइए बोलना है कि अपना खुदा बनाइए गंगा नहाइए, अपने करीब आइए गंगा नहाइए, क्या कहने। और शेर सुनना कि ये इश्क विश्क छोड़िए रखा नहीं है कुछ, ए वाह, ये इश्क विश्क छोड़िए रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए गंगा नहाइए, जिंदाबाद। वाह बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहने भाई, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल करते रहिए तालियों से। सुनिएगा कि अपना खुदा, फिर से रिपीट करते हैं, अपना खुदा बनाइए अपने करीब आइए गंगा नहाइए, इश्क विश्क छोड़िए रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए गंगा नहाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके आपके यहाँ पर बनारस साहित्य में बहुत ही समृद्ध रहा है, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। एक बार महादेव के नाम पर हम लोग उद्घोष करेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर। बहुत बढ़िया बनारस, मज़ा आ गया। और सुनिएगा, आपके यहाँ पर लम्ही में प्रेमचंद हुए, अच्छे शेर भी सुनते रहिए। आपके यहाँ ही लम्ही में प्रेमचंद हुए, प्रेमचंद ने कहा कि विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है, जिस दिन वो पूर्ण विकसित होगा स्त्री हो जाएगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं एक इसमें लफ्ज है वहशत, वहशत का मतलब होता है जंगली पना। शेर सुनना, शेर सुनिए, शेर सुनिए, ये सब करते रहिए, शेर भी सुनते रहिए कि वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी, वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। आए हाय हाय हाय, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी, वहशत गोद में सर रखेगी, क्या कहने क्या, और मोहब्बत हो जाएगी, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। और शेर सुनना कि दर्द उगाने वाली लड़की इतना तो बतलाती जाओ, आए हाय हाय, दर्द उगाने वाली लड़की, दर्द उगाने वाली लड़की इतना तो बतलाती जाओ, जख्म दवा हो जाएंगे या इसकी आदत हो जाएगी। क्या कहने क्या कहने अभिसार भैया, वाह 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 वाह। दर्द उगाने वाली लड़की इतना तो बतलाती जाओ। और शेर सुनिएगा, अता हो इतना तो हो कि इश्क का चर्चा बना रहे,
इतना तो हो कि इश्क का चर्चा बना, इतना तो हो कि इश्क का चर्चा बना रहे, यानी वफा के पांव में कांटा बना रहे। आए हाय 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 क्या कहने, यानी वफा के पांव में कांटा बना रहे। हर शहर चाहता है कि रिश्तों के नाम पर, हर शहर चाहता है कि रिश्तों के नाम पर तस्वीर गांव की मिटे रास्ता बना रहे। क्या कहने अभिसार भैया, वाह वाह वाह, तस्वीर गांव की मिटे रास्ता बना रहे। शेर सुनना कि कहां तो शोर था मैं तितलियों को मारूंगा, आए है है, कहां तो शोर था मैं जुगनुओं को मारूंगा, किसे लगा था मैं रोशनी बचा लूंगा, आए है है, किसे लगा था मैं रोशनी बचा लूंगा, बुरे से वक्त में मत छोड़ वक्त दे थोड़ा, बुरे से वक्त में, बुरे से वक्त में मत छोड़ वक्त दे थोड़ा, मैं देखता हूँ कोई रास्ता निकालूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बुरे से दौर में मत छोड़ वक्त दे थोड़ा, क्या कहने अभिसार भैया, मैं देखता हूँ कोई रास्ता निकालूंगा। और शेर सुनना कि तू देखना वफा से ऊब कर किसी दिन मैं, तू देखना, अना का शेर सुनिए फिर से, कि तू देखना वफा से ऊब कर किसी दिन मैं खुदा के गांव से ही बेवफा निकालूंगा। आए हाय आए हाय, क्या अना का शेर है, क्या अना का शेर अभिसार भैया, देखना वफा से ऊब कर किसी दिन मैं खुदा के गांव से ही बेवफा निकालूंगा। और हिंदी सुनेंगे या गजल चालू रखें, हिंदी पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप लोग सब्र से सुनते रहिए। देखिए जो इससे पहले था वो स्टार्टर था, जो इसके बाद आएगा वह स्वीट डिश होगी, मैं ही मेन कोर्स हूँ। तो आप सुनिए, एक छंद सुनाता हूं आपको, राम छंद है ना, क्या क्योंकि हिंदी भी बराबर चलती रहनी चाहिए। जय श्री राम, इसके बाद भी करना पड़ेगा, रुक जाओ। तो आप देखिए, दृश्य देखिएगा कि दृश्य ऐसा है कि राम सेतु का निर्माण हो चुका है, राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उस सेतु से जा रहे हैं, और उसका जो दृश्य बन रहा है वो दृश्य आपके सामने रखता हूं। अतः सुनिएगा कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं अस्त्र अस्त्र से, उठा है शोर शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। आह, जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं अस्त्र अस्त्र से, उठा है शोर शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। आहा, तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व तत्व, जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। आए हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, और कौन राम। पूरे श्रोताओं की तरफ से हम एक बार गुजारिश करेंगे, एक बार फिर आप ये छंद पढ़ दीजिए। सुनिएगा, मस्ती में सुनिएगा कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं अस्त्र अस्त्र से, उठा है शोर शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंग धार बेधते हैं पाप वाप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व तत्व, जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। क्या कहने, क्या कहने अभिसार भैया, वाह 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 वाह, ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए अभिसार भैया का। एक एकदम बनारस के लिए नया लेके आया हूँ, इसी छंद में आगे, ये कहीं नहीं पढ़ा अब तक। सुनिएगा कि कौन राम, वो एक नाम राम है, और राम कौन, वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। आए है,
अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है धैर्य धर्म का है शौर्य का अनंत अंत क्रोध का प्रचंड युद्ध का निलय प्रलय का जो विराम है हाय विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का अनंत मुक्त क्रोध का अनंत भक्ति बोध का अनंत शक्ति श्रोध का अनंत मोक्ष धाम है वो एक धाम राम है हाय 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 अवतार भैया वाह 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 एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए आप लोग अवतार भैया का क्या कहने वाह 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 क्या छंद पढ़े जा रहे हैं क्या शायरी हो रही है क्या शेर कहे जा रहे हैं ये प्रेम शायद किसी शायर को या किसी कवि को कहीं और हासिल नहीं हो सकता ये बनारस की खूबसूरती है कि यहाँ के श्रोता इतने बेहतरीन तरीके से दादो तहसीन से नवाजते हैं तो और पढ़ा जाए या मैं चलूं बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या सुनेंगे देखिए एक लक्ष्मण वाला सुनेंगे या शिव वाला दोनों सुनेंगे देखिए पहले राम वाला सुना देता हूं अगर उसके बाद आपके अंदर शक्ति शक्ति और हमारे अंदर सामर्थ्य बचा तो शिव वाला भी सुनाया जाएगा हम लोग शिव की नगरी से हैं और शक्ति तो भगवान की कृपा से कूट कूट कर भरी हुई रात के 12 बजे तक ये शायरी अगर चलती रही तो सब लोग बैठे रहेंगे जय हो बनारस तो आप सुनिए कविता भी सुनते रहिए और लुत्फ भी लेते रहिए एक परिस्थिति है और मैंने इस कविता को राम का प्रलाप नाम दिया राम प्रलाप नाम दिया इसके पीछे भी एक कहानी है विलाप क्यों नहीं कहा गया प्रलाप क्यों कहा गया इसमें इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें प्रलाप क्यों कहा गया विलाप या चलो यहीं बता देता हूं समझदार लोग हैं विलाप वो होता है जिसमें आप दुख में होते हैं पर आपको भान रहता है कि आप क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी जब इस प्रसंग का उपयोग कर रहे थे इस प्रसंग का व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने लिखा कि राम कह रहे हैं कि सुमित्रा के तो एक ही पुत्र है जबकि सुमित्रा के दो पुत्र थे तो उनके एक ही पुत्र है बताओ वो भी चला गया तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है तो मेरे गुरु जी उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए है कि राम प्रलाप में है राम को शुद्ध नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं उस प्रलाप से ये प्रकरण निकालता हूँ और आपके समक्ष रखता हूँ सुनिएगा कि राम राम बैठे हुए हैं और राम की गोद में लक्ष्मण लेटे हुए हैं लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है राम व्याकुल हैं राम क्या कहते हैं सुनिएगा सुन लीजिए बढ़िया बात सुना के जा रहा हूं सुनिएगा राम कहते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है क्यों मौत नहीं आ जाती है अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों काल कहीं पर सोया है क्यों मौत नहीं आ जाती है क्यों प्रलय नहीं दिखती नम में क्यों धरा नहीं फट जाती है क्यों राम अभी तक जीवित है क्यों लखन नहीं कुछ कहता है गोद पड़े है अनुज कहो कैसे मानस दुख सहता है क्या कहने क्या सुंदर चित्रण है क्या मार्मिक चित्रण है आहा गोद पड़े हे अनुज कहो कैसे मानस दुख सहता है तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या सीता को क्या बतलाऊंगा तुम बिन वो महल चलेगी क्या आए हाय क्या कहने अभिसार भैया बा बा सीता को क्या बतलाऊंगा तुम बिन वो महल चलेगी क्या हनुमत क्या पाप किए मैंने विपदाएं क्यों आ जाती हैं क्यों काल कहीं पर सोया है क्यों मौत नहीं आ जाती आए हाय 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 बहुत सुंदर राम क्रोध में आते हैं क्रोधित भी होते हैं उनको लगता है कि सृष्टि का नाश कर देना चाहिए राम क्या कहते हैं सुनिएगा कि क्यों काल कहीं पर सोया है क्यों मौत नहीं आ जाती है कि एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का
एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, समर हिले मेरे ही स्वर से, विराट रूप हो महाकाल का, फिर अतृप्त करूं जीवा अपनी जब तक हर असुर मिटा ना दूं, लंका कांपे पाताल डरे जब तक ये विरह घटा ना दूं, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, आए है फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, इस जीवन से डर लगता है मृत्यु से कैसा डरना। वाह 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 वाह, क्या कहने अभिसार भैया, इस जीवन से डर लगता है अब मृत्यु से कैसा डरना, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने अभिसार भैया, वाह वाह। सुनना, राम कहते हैं कि यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, यदि साथ नहीं जाऊंगा वो भैया किसे बुलाएगा, और सुनना पंक्ति कि यदि साथ नहीं जाऊंगा वो भैया किसे बुलाएगा, मेरी तनहीन विकलता का, मेरी तनहीन विकलता का अब नाश नहीं हो सकता है, राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। आए हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या करें अभिसार भैया, वाह 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 वाह, क्या वर्णन है, क्या सुंदर वर्णन है। राम जन्म लेते रहते हैं लखन पर लखन नहीं हो सकता है, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, बन मेघ नहीं छा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। क्या कहने अभिसार भैया, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए, स्वागत करिए अभिसार भैया का, क्या सुंदर छंद पढ़े जा रहे हैं, क्या सुंदर कविताएं पढ़ी जा रही हैं, वाह। मैं इसका एक और छंद एक और बंद पढ़ता हूं और फिर जगह अपनी, कि अब कहो विभीषण क्या होगा कैसे आगे करण होगा, कि अब कहो विभीषण क्या होगा कैसे आगे करण होगा, मैं तो ये शस्त्र धारूंगा अब कैसे रावण मारूंगा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं कैसे सूर्य निहारूंगा, आह ये राज्य यूं ही बीत गई मैं कैसे सूर्य निहारूंगा, वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे, सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा, तो रकुल रीत निभाता हूं तुमको मैं मर्म बताता हूं, जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूं। वाह 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 वाह, अद्भुत। जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूँ, युद्ध विचार बिन अनुज करूँ, युद्ध विचार बिन अनुज करूँ, इतनी शक्ति नहीं आ पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। वाह जिंदाबाद, व्यासिव गीत। क्या बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अभिषार में शिव गीत पढ़ने आप। थोड़ा पानी पी लेता हूं। सुनिएगा, ये सिर्फ बनारस में ही पढ़ा जा सकता था, मैंने और कहीं पढ़ा भी नहीं है इसे, इसके टुकड़े कहीं कहीं मिल जाते हैं, बाकी मैंने इसको कहीं पूरा नहीं पढ़ा, आपके समक्ष पढ़ता हूँ। प्रसंग इतना सा है कि माता सती ने क्रोध में, जब उनका अपमान हुआ, उन्होंने अपना अपमान, उनको लगा कि उनका अपमान हो गया है, शिव जी का अपमान हो गया है, तो उन्होंने अपनी आत्मग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। शिव क्रोध में हैं, शिव अपने रुद्रावतार जो उनके विनाश के पर्याय हैं, रुद्रावतार वीरभद्र को विनाश के कुछ निर्देश देते हुए दक्ष के साम्राज्य तक भेजते हैं, कहते हैं जाओ विनाश करो, किसी को सोचना मत, किसी को कुछ देखना मत, जो उन्होंने विनाश के निर्देश दिए उनको मैंने छंदबद्ध करने का प्रयास किया है, वो आपके समक्ष रखता हूँ, आप देखिएगा और जैसे प्यार देते आ रहे हैं वैसे प्यार देते रहिएगा। स्वागत। सुनिएगा,
शिव जी क्या कहते हैं वीरभद्र को कि जाना और कैसा सर्वनाश करना, सुनिएगा। कहते हैं कि न काल भाल पर चढ़े न रात्र चर दिखे मुझे। तुम्हारे बाद क्या होना चाहिए, जब मैं तुम्हारे बाद जाऊं तो मुझे क्या दिखे। न काल भाल पर चढ़े न रात्र चर दिखे मुझे, न सर्प दर्प हो व्यथित न तूर सूर्य में मिले। न धर्म कर्म बाध्यता न शब्द बोध मारना, न व्यक्ति देव का शमन न युद्ध क्षेत्र हारना। नहीं नहीं निरायुधों न द्वेष वेश कामना, नहीं नहीं निरायुधों न द्वेष वेश कामना, न मृत्यु पाव बांधना न देने मानना। न विष्णु ब्रह्म सोचना न रक्त को निहारना, विनाश नाश सोचना वशीष को उतारना। वाह, विनाश नाश सोचना वशीष को उतारना। और सुनना, कहते हैं कि तुम किसी की भी कोई युक्ति आपके आपके सामने सफल नहीं होनी चाहिए, न युक्त भी प्रयुक्त हो न वायु शौर्य की चले। न युक्त भी प्रयुक्त हो न वायु शौर्य की चले, न मूर्ति का विरोध हो न जीव मार्ग में अड़े। न पावकों में अग्नि हो न मस्तकों में तेज हो, न रात्रि मूर्त भाव हो न व्यक्ति ही विशेष हो। वाह, कटार रार गूंज में न अग्नि हो न शोर हो, न रात्रि पूर्ण हो कभी न सूर्य हो न भोर हो। न रात्रि पूर्ण हो कभी, विनाश का दृश्य देखिए, न रात्रि पूर्ण हो कभी न सूर्य हो न भोर हो। कटे जले विरक्त हो विकल्प मात्र हारना, और महेश शेष में रहे विनाश को निहारना। जिंदाबाद, वाह अद्भुत। महेश शेष में रहे विनाश को निहारना। और सुनना, न बांध रख प्रवाह पे व याचना न हो कहीं। कहते हैं अपना हृदय इतना शीत कर लो जिस पर किसी की याचना का किसी के विनय का कोई प्रभाव ना पड़े। न बांध रख प्रवाह पे व याचना न हो कहीं, अतीत शीत हो हृदय उदारता नहीं नहीं, न प्रेम प्रेम सा कहीं, न कर्म कर्म से ढले न अग्नि अग्नि से जले, न प्रेम प्रेम से मिले, न प्रेम प्रेम से मिले, न प्रेम प्रेम सा कहीं, न कर्म कर्म से ढले न अग्नि अग्नि से जले, न धर्म धर्म से मिले। विनीत प्रीत योग की व नाद धूत दंड का, अखंड खंड मुंड के निनाद हो प्रचंड का, और प्रचंड मुंड हस्त में उतारना नदी नदी, शिवा शिवा न बोलना पुकारना सती सती। अद्भुत, वाह अद्भुत। विनीत प्रीत योग की व नाद धूर्त दंड का, अखंड खंड मुंड के निनाद हो प्रचंड का, प्रचंड मुंड हस्त में उतारना नदी नदी, शिवा शिवा न बोलना पुकारना सती सती। और इसका आखिरी छंद का आखिरी हिस्सा आप तक कि न जीत काल काल की न मृत्यु के उछाह की, न जीत काल काल की न मृत्यु के उछाह की, अनादि आदि है नहीं न पीर है अथाह की, अथाह राह बेड़िया न तोड़ना न जोड़ना, नदी नदी प्रवाह है प्रवाह को है मोड़ना, और त्रिनेत्र शांत भाल की न योजना न आस है, पिनाक धर्म युद्ध में विशुद्ध रक्त प्यास है। पिनाक धर्म युद्ध में, और आखिरी पंक्तियां सुनना कि पिनाक धर्म युद्ध में विशुद्ध रक्त प्यास है, और त्रिशूल पाणि क्रोध में महाविनाश क्रोध में, तो एक ही उपाय हो नमः नमः शिवाय हो, नमः नमः शिवाय हो। अद्भुत, हर हर महादेव।